मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में बताता हूं। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बहुत अच्छे दोस्त मतलब बहुत अच्छे दोस्त, साथ में खाना पीना उठना बैठना साथ में था, इवन स्ट्रगल के टाइम पे। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अमिताभ बच्चन साहब और अपने सुभाष घई साहब, ये सब एक ही जगह पे रहते थे। इनफैक्ट शायद रूम भी शेयर करते थे, शाम को साथ में ड्रिंक वगैरह भी लेते थे। और इनकी जो राइवलरी है या दोस्ती है, ये काफी सालों से चली आ रही है। इनफैक्ट इन्होंने साथ में बहुत सारी फिल्में भी की हुई है। और इनके जो बच्चे हैं आज, अभिषेक बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा, आज तो शायद एक फिल्म भी ये लोग साथ में कर रहे हैं। आ चुकी ऑल इज वेल। हाँ, ऑल आ चुकी, और शायद एक फिल्म और कर भी रहे हैं शायद। अभी एक हाल फिलहाल के इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा था कि हमारी जो राइवलरी है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बट ये राइवलरी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। और एक फिल्म आई थी इनकी शान और नसीब, जहां पे उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब एक्टर्स थे ये, उस पॉइंट पे भी उन्होंने कहा था कि हमारी जो राइवलरी है ये कभी खत्म नहीं होगी। और उनकी एक फिल्म में आने वाले डायलॉग भी है, यहाँ पे एनटीआर प्ले कर रहे हैं, कि आई एम नॉट सरकार, आई एम सुपर सरकार। अभी बिग बी और शत्रुघ्न साहब, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, जैसे काला पत्थर, दोस्ताना, शान, पर लोग काफी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं इन फिल्मों के दौरान। 1970 और 1980 ये लोग काफी फिल्में साथ में कर रहे थे, और उन्हीं में से एक फिल्म आई थी दोस्ताना, और दोस्ताना के बाद इन्होंने फिर साथ में कोई फिल्म नहीं की है। और उनकी जो ग्रोइंग एस्पिरेशंस थी, जो ईगो थी, और लोग साथ में उस ईगो की वजह से साथ में कभी काम करना नहीं चाहे। दोनों का ईगो इतना बड़ा था, दोनों बड़े स्टार थे, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार थे, वो भी बड़े स्टार थे। एक मल्टी स्टार मूवी थी 1980 में बनी थी, वो थी शान, और उस फिल्म में बच्चन साहब का मेजर रोल था, शत्रु जी भी थे उसमें, पर उनका जो रोल था ऐसा, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ याद किया जाए। लोग कहते थे कि बच्चन साहब सबके रोल कटवा देते हैं, कितना सच है या कितना झूठ है इस बारे में कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। फिर भी शान का जो सक्सेस था, उसने कहीं दोस्ताना को मैच नहीं किया, क्योंकि वहां पे शत्रु साहब का एक प्रॉपर रोल था, एक वकील का रोल। हाँ, एक प्रॉपर। और उस फिल्म के बाद, दोस्ताना के बाद, दोनों ने ये डिसाइड किया कि आपस में हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। ये रवि सेठी ने एक फिल्म शुरू की थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और कमलजीत भी था शायद, कमलजीत थे, तो फिल्म उनको शेल्फ कर देना पड़ा, कि दोनों की आपस में एक दूसरे से बनी नहीं। और सब कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और शत्रु की जो राइवलरी थी वो फिल्म काला पत्थर के अंदर दिखती है। इवन जब दोनों साथ में सीन कर रहे थे, तो साथ में सीन करते वक्त इनके जो रिएक्शंस थे, वो नेचुरल नजर आते थे, वो नेचुरल नजर आता था उनको, उन लोगों के चेहरे पर। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन, सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, ये सब एक साथ मुंबई आए थे, लगभग आसपास ही, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे लोग बॉलीवुड में। और ये सारे के सारे एक ही जगह पे पीजी में थे। शाम के वक्त सब इकट्ठा होते थे, पूरे दिन में उन्होंने क्या किया ये सारी बातें करते थे, फिर साथ में ड्रिंक भी करते थे। तो एक वो वक्त था। फिर एक घटना ये हुई कि जब इनकी राइवली चल रही थी, फिर अभी जब अभिषेक बच्चन की वेडिंग हुई थी, तो अभिषेक बच्चन की वेडिंग के टाइम पे भी इनको इनवाइट नहीं किया गया था, और सबसे बड़ी गलती थी शत्रु साहब की। देखिए, इसे गलती कहिए, भूलना भी कहिए, इसे गलती भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। हर आदमी के अपना एक वो होता है, क्योंकि तो वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में जा चुके थे और ये मुलायम जी को सपोर्ट कर रहे थे, तो एक अलग तरह की दोस्ती अलग चीज होती है, तो इसे गलती नहीं कहा जा सकता। फिर बाद में बच्चन साहब ने उनके घर पे मिठाई भिजवाई थी, तो मिठाई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्होंने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया था बच्चन साहब ने। फिर एक बार आईफा अवार्ड हुआ था, आईफा अवार्ड में भी इन्होंने कुछ कमेंट किया था हमारे शत्रु साहब ने,
which didn't go well down with Amitabh Bachchan. फिर इनकी जो वाइफ थी पूनम सिन्हा वो रवीना टंडन के फैमिली से काफी क्लोज थी, तो फिर जब मैक मोहन को अवार्ड दिया गया कि मैक मोहन रवीना जी के मामा हुआ करते थे, तो वहां पे फिर बच्चन साहब ने ये ट्वीट कर दिया था कि मतलब अगर अच्छी दोस्ती है तो उस टाइम पे जो डिसीजन मेकर थी वो पूनम जी थी शायद, तो दोस्ती की वजह से यहाँ पे अवार्ड वगैरह दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो कभी ना कभी दोनों एक दूसरे को ट्वीट कर देते थे, तो ये सब सारी चीजें अच्छी नहीं जाती थी। फिर शत्रु जी जो थे वो बहुत ही फ्लेमबॉयंट टाइप के एक्टर थे, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का था। वो जब डायलॉग बोलते थे तो एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज, चार चार पेज के डायलॉग एक साथ बोलते थे। वो लेट आते थे पर डायलॉग जो थे रट्टा मार के नहीं आते थे। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, कि अगर वो चार पन्ने भी एक साथ पढ़ लें तो चार के चार पन्ने वो पूरा एक साथ बोल जाते थे। उनको आज तक किसी ने नहीं देखा कि वो डायलॉग को याद करते हो। एक बार आपने सुना दिया, एक बार मतलब एक बार असिस्टेंट ने सुना दिया, एक बार उन्होंने पढ़ लिया, उनको पूरा डायलॉग बाय हार्ट हो जाता था। और बाय हार्ट डायलॉग को फिर वो अपने शब्दों में जब कहते थे तो उसमें कोई मतलब कोई सारी नहीं था। और उस टाइम पे एक्टर लोग डायलॉग याद करते थे और ये कभी डायलॉग याद नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरा अपने मेकअप वगैरह में ज्यादा वक्त नहीं लेते थे, आए फटाफट रेडी हो गए, शॉट दिया और फिर निकल लिए। तो रोहित जी ये मैंने आपको बताया उनकी राइवलरी के बारे में थोड़ा बहुत जो डिटेल में, ऐसे इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पता नहीं एक दो दिन तक बोलते रह जाऊं। तो ये था एक्चुअली में क्या था कि जब ये पॉलिटिक्स में चले गए मिस्टर सिन्हा, तो एक वक्त ऐसा भी शत्रु जी को जरूर लगा होगा कि आज बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का जो रुतवा है, जो स्टेटस है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, वो बड़ा होता चला गया, बढ़ोतरी हो गई। और ये शत्रु जी भी समझते होंगे कि वो ज्यादा कैपेबल है और डिजर्विंग है, तो फिर उन्होंने भी धीरे धीरे जो राइवलरी है अब वो मैच्योर्ड भी हो गया, बच्चन साहब भी काफी मैच्योर्ड हो गया, तो एक लगा कि नहीं ठीक है यार वो अपनी एक मुकाम बना रहा है। और वो भी जाके पॉलिटिक्स में एक बड़े मुकाम पे हासिल कर लिया उन्होंने, जहां पे बच्चन साहब फेल हो गए, पॉलिटिक्स में तो बच्चन साहब भी गए थे तो वहां वो जाके फेल हुआ। तो ये चीज तो शत्रु जी को भी रियलाइज हुआ होगा कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अगर हमारे मतलब बॉलीवुड में जाए तो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल स्टार रहे हैं पॉलिटिक्स में वो शत्रु जी रहे हैं और सुनील दत्त साहब रहे हैं। बराबर आनंद जी, क्या फिर आपको लगता है शत्रु सिन्हा जी और शॉटगन और अमिताभ बच्चन साथ में नजर आएंगे एक पर्दे पर? देखिए इस बारे में अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने एक डिग्निफाइंड साइलेंस जो है उन्होंने एक साइलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, जबकि अपने जो शत्रु जी हैं कभी न कभी एक हल्का सा व्यंग जो होता है ना कभी कभी छोड़ देते हैं वो, ठीक है। तो अभी जब भी शत्रु जी से पूछा जाता है कि क्या बच्चन साहब के साथ काम करेंगे, तो शत्रु जी का बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब होता है कि हमने तो कोई मना किया ही नहीं है, ये तो उनसे पूछिए जाके, हमें तो उनसे उनके साथ काम करने में कोई इशू नहीं है, उनके ऊपर है कि वो हमारे साथ काम करते हैं कि नहीं। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक कंफर्ट लेवल है, और मैं अपने पर्सनल चीजों को प्रोफेशनल चीजों के साथ मिक्स नहीं करता हूं, तो हमें उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, ये उनका है। इवन जब शत्रु जी कौन बनेगा करोड़पति का जो होस्ट करे थे भोजपुरी में, तो उनसे सवाल पूछा गया था बच्चन साहब के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनका अपना स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है, हम अपनी भोजपुरी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। और भोजपुरी जो लैंग्वेज है इसे दो तीन लोग ही बोला करते थे, एक थे हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, और वे और मैं जो हूं वो अपने भोजपुरी को मैं ऊपर लेके आना चाहता हूं अपने भोजपुरी लैंग्वेज में, इसमें कोई बुरा नहीं है। फाइनली अभी ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में पीसफुल जो रिलेशन है वो शुरुआत हो गया, हो सकता है सोनाक्षी और अभिषेक की वजह से हुआ, क्योंकि पिछली दिवाली में अमिताभ बच्चन ने पूरी फैमिली के साथ उनको इन्वाइट किया था, और पूरी फैमिली के साथ शत्रु जी, पूनम जी, लव कुश और सोनाक्षी सिन्हा उनके घर पे गए थे,
और घर पे उनको मतलब ऐसा था कि बिल्कुल चीफ गेस्ट की तरह पे उनका स्वागत किया गया था, और उनके स्वागत में ऐश्वर्या, अभिषेक, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन एवं ऐश्वर्या की जो बेटी आराध्या थी, सबने उनका बहुत स्वागत किया। तो ये मैंने आपको बताया दो, जो दो कंपटीटर थे विनोद खन्ना साहब और शत्रु जी, इन दोनों की जो कंपटीशन थी बच्चन साहब से, आज मैंने इन दोनों के बारे में आपको बताया है। और भी कुछ पूछना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? आनंद जी, ये सुनकर मजा आ गया, पर यही दुनिया, और मैं चाहता हूं कि दोनों एक पर्दे में नजर आए। प्रार्थना कीजिए भगवान जी से कि दोनों एक साथ में काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बस हम भी दोनों सबको साथ में देखना चाहेंगे कि बच्चन साहब वापस सत्यजी से काम करें। जो हमने जो एक्शन पैक हमने दीवा काला पत्थर नसीब, जो उनका जो एक प्रोफेशनली काम करने का लहजा था वो बहुत अच्छा था। हाँ चलिए, जो भी था, आज हम पूरी तरह से ऊपर से प्रार्थना के लिए हम इन दोनों की जोड़ी वापस पढ़ते हुए देखें, और इसी के साथ हम आज का जो शो है उसको समाप्त करते हैं। और अपने दर्शकों को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।